हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस स्टैंडर्ड नर्सरी। सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक है बच्चों आपका नंबरल 31 to 35। तो देखो ये पेज नंबर है टेकआउट योर मैथ्स वर्कबुक एंड पेज नंबर है 36 and 37। तो बच्चों यहाँ पे एक पेज में 31 to 35 दिया है, नेक्स्ट पेज में 36 to 40 दिया है। तो दोनों नंबर आज हम 31 to 40 फिनिश कर देंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट संडे आ रहे हैं, संडे को आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके नंबर 1 to 40 रेडी करना है आपकी नोटबुक में, 2 to 2 पेज होमवर्क करना है। ओके बच्चे, तो स्टार्ट नाउ। 31 कैसे बोलेंगे, देखो एक एक बॉक्स छोड़ दिया है यहाँ और वन वन बॉक्स के अंदर एक नंबर लिखा है और दोनों नंबर सेम होने चाहिए, है ना बच्चों। देखो यहाँ पे है 31 31, क्या लिखेंगे बच्चों, 31 31। देखो पूरी लाइन हम भरेंगे 31 31 से। ओके 31 31 31 31 31 31। ओके बच्चों, नाउ द नेक्स्ट है 32। तो देखो यहाँ पे लिखा है TO, लिखा है 2, ओके और 3 और 2, 32। तो यहाँ पे ट्रेस दिया है तो हमें इस तरह से दोनों कर्व सेम रहेंगे, 3 के और 3 बनाएंगे, ये 2 बनाएंगे कर्व और स्लिपिंग लाइन। ओके तो सेम जैसे यहाँ बुक में लिखा है वैसे ही नंबर से आपको लिखना है 32। और बच्चों पेरेंट्स की आपको हेल्प लेनी है, पेरेंट्स से लिखवाना नहीं है। ओके 32 32 32 32 32 32। ओके नाउ द नेक्स्ट 33 33। ओके तो देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे वैसे ही सेम नंबर दोनों बॉक्स में प्रॉपर होने चाहिए, छोटे बटे और नंबर से नहीं लिखना है। ओके 33 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
3 4 34 3 4 34 3 4 34 3 4 34 ओके यहाँ पे 3 5 35 ओके 3 5 35 3 5 35 3 5 35 3 5 35 ओके तो बच्चों देखो ऐसी तरह जो 3 1 की लाइन है तो पूरी लाइन 3 1 से आपको फिनिश करनी है ओके जिस तरह से मैंने लिख करी है और प्रॉपर 3 2 32 वाली लाइन करनी है इसी तरह से 3 5 तक टोटल लाइन फिनिश करनी है ओके बच्चों नाउ देन नेक्स्ट है पेज नंबर 37 36 36 ओके तो इसी तरह से हमें जैसे 3 5 की लाइन फिनिश की है वैसे ही आपको 3 6 36 की लाइन भी फिनिश करनी है ओके तो देखो यहाँ पे ट्रेस लिखा हुआ है 3 6 36 3 6 36 3 6 36 3 6 36 3 6 36 3 6 36 3 6 36 Now the next 3 7 37 40 तक आज हम फिनिश कर देंगे बच्चों इसी तरह से आपको भी अच्छी राइटिंग से यहाँ पे देख देख के लिखना है देखो एक बॉक्स के अंदर 3 लिखेंगे सेकंड बॉक्स के अंदर 7 लिखेंगे और दोनों नंबर सेम रहेंगे ओके 3 7 37 3 7 37
37 37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 ओके बच्चों 39 पहले हम ट्रेस करेंगे 39 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
हमने 31 to 40 कंप्लीट किया है। ओके बच्चों, देखो यहाँ पे 39 के बाद तुरंत आ जाएगा 40, 40। तो 4 और 0 दोनों सेम होने चाहिए, कोई भी नंबर चाहे लिखो, दोनों प्रॉपर ही लाइन में होने चाहिए। देखो 0 कैसे लाइन को टच होकर लिखा है ना मैम ने, वैसे ही आपके वर्कबुक में जैसे लिखा है वैसे ही आपको भी लिखना है 40, 40, 40, 40, 40, 40। ओके बच्चों, तो इसी तरह से आपको भी कंप्लीट करनी है। आगे पेज नंबर 38 पे मैं आपको बता रही हूँ। तो बच्चों हमने 31 to 40 बनाया, जिस तरह से हमने स्लीपिंग लाइन में बनाया, पूरी लाइन बनाई थी ना, 31 की लाइन बनाई, 32 की लाइन बनाई है ना, पूरी लाइन बनाई थी। पर अब हम नोटबुक में कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे वर्कबुक में लिखा है, पेज नंबर 38 पे लिखा है राइट नंबर्स 31 to 40। ओके, तो इस तरह से पूरी लाइन में एक एक बॉक्स छोड़ के एक एक बॉक्स के अंदर हमें 31 to 40 कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरह से आपको भी कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, तो देखो मैं एक लाइन आपको लिख के बताती हूँ, सेम इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे 31 लिखा है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 31, 31। ओके, नाउ द नेक्स्ट 32, 32, 33, 33। ओके बच्चों, 3 4 34, 3 5 35, 3 6 36, 3 7 37, 3 8 38, 3 9 39, 40 40। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पे भी इसी तरह से आपको ये वाली लाइन भी कंप्लीट करनी है, यही आपका होमवर्क है 31 to 40। ओके बच्चों, तो इस आपको 31 to 40 इस तरीके से प्रॉपर वर्कबुक में भी फिनिश करना है और नोटबुक में भी फिनिश करना है। ओके, और ओरल में 1 to 50। ओके, 5 लाइन आपको ओरल में कंप्लीट करनी है, 4 लाइन आपको कंप्लीट करनी है, यानी 1 to 50 आपका ओरल कंप्लीट चाहिए मुझे। ओके, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क करना कंपलसरी है बच्चों, होमवर्क करके मैम को सेंड करना है, और आपकी कॉपी साफ सुथरी क्लियर होनी चाहिए। ओके, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करनी है पेरेंट्स की हेल्प से, और रेडी भी करना है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैथ्स का टॉपिक में हमारा नंबर 31 to 40 कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।